स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जहां बात करेंगे उत्तर प्रदेश की अहम खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में आपस में लड़ाई हुई। शाहजहांपुर के बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में झगड़ा हो गया। दरअसल खुटरा थाना क्षेत्र के गांव चांदपुर में रहने वाले संदीप शुक्ला अपने साथी सुशांत दीक्षित और ऋतु मिश्रा के साथ बाइक लेने पहुंचे थे, तभी बीजेपी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्जुन मिश्रा ने अपने भाई आलोक मिश्रा और अपने कई साथियों के साथ मिलकर तीनों कार्यकर्ताओं की लाठी डंडों से पिटाई कर दी, जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं तीनों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। इस मामले में पुलिस ने संदीप शुक्ला की तहरीर के आधार पर अनुज मिश्रा, आलोक मिश्रा और एक अन्य साथी के हत्या के प्रयास में सहित कई गंभीर धाराओं के में मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी अनुज को गिरफ्तार कर लिया है। तो ब्रिटेन में बात अब मुरादाबाद की कर लेते हैं, जहां पोलिंग बूथ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेता आपस में भिड़ गए। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 5 शिक्षक और स्नातक सीटों के लिए मतदान के दौरान मुरादाबाद में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पर ही भिड़ गए। दरअसल वोटिंग के दौरान मुरादाबाद के खंड विकास कार्यालय पर बने बूथ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में विवाद हो गया। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता भी विवाद की सूचना पाकर पोलिंग बूथ पर पहुंच गए और हंगामा शुरू करने लगे। हंगामे की सूचना पर डीएम और एसएसपी भी मौके पर पहुंच गए, जहां समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपनी पार्टी के पोलिंग एजेंट को अंदर नहीं जाने का आरोप लगाया। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि आरोप है कि इस बात को लेकर ही पोलिंग बूथ पर विवाद हुआ, जहां पुलिस ने हंगामा कर रहे समाजवादी पार्टी के नेता के स्कॉर्पियो कार को अपने कब्जे में ले लिया। तो ब्रिटेन में बात अब प्रतापगढ़ की कर लेते हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला प्रतापगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने वरिष्ठ समाज सेवी शिवानी के निवास पर मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए प्रेम शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निरंतर देश प्रगति कर रहा है। उन्होंने रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की भी निंदा की। इस अवसर पर प्रेम शुक्ला ने त्रिपुरा समेत 3 राज्यों में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत का परचम लहराने की बात कही। कि जिस तरह से भारत को आज से 8 साल पहले विश्व की तमाम आर्थिक पत्रिकाएं लिखती थी फ्रेजाइल फाइल, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से भारत में विकास कार्य हुए हैं, उसका परिणाम है कि भारत को महाशक्ति दुनिया मानती है और G20 देशों की के समूह की अध्यक्षता, और वह भी कब आया जब स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है, उस अमृत महोत्सव वर्ष में ब्रिटेन जो हमारा किसी समय औपनिवेशिक। ब्रिटेन में बात अब आगरा की कर लेते हैं, जहां महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अखिलेश यादव को लेकर बयान दिया। अखिलेश यादव ने पुराने सहयोगी और महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख पर जमकर निशाना साधा। केशव देव मौर्य ने कहा कि वह विनाशकाली विपरीत बुद्धि हैं, इससे समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा। समाजवादी पार्टी वैसे भी 2 टुकड़ों में बट गई है, जहां अखिलेश यादव 2 नाव पर सवार हैं। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि आज हिंदू धर्म नकली चल रहा है, सनातन धर्म नकली चल रहा है। कुछ लोग विदेश से आए हैं जिन्होंने कब्जा कर असली हिंदू धर्म को समाप्त कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी संविधान को नहीं मानती है। महान दल की रणनीति बीजेपी को हराना है, और जो 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराएगा, महान दल उसका समर्थन करेगा। देखिए, अखिलेश जी गलत लाइन पे जा रहे हैं। अखिलेश जी ने जो आरोप लगाया भाजपा उन्हें शूद्र मानती है और भाजपा के गुंडे जो है आकर विरोध कर रहे थे, वो उस जो हिंदूवादी संगठन के लोग वो इस बात पर विरोध कर रहे थे कि
समाजवादी पार्टी के एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर भला बुरा कहा, रामायण को बैन करने की बात कही। ये सच है कि रामचरितमानस में कुछ चौपाइयाँ गलत हैं और जिन्हें हम लोग भी गलत मानते हैं, शुरू से गलत मानते हैं, और ये चौपाई पे हमारा भी बहुत जबरदस्त विरोध है कि पूजे विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न पूजो वेद प्रवीणा। ब्रिटेन में बात हो रहा है कि कर लेते हैं, जहां महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएमओ ने सभी लोगों को शपथ दिलाई और आए में 50 सरकारी अस्पताल में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कुष्ठ रोग मुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अधीनस्थों को कुष्ठ रोगियों की मदद करने की शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव ने कहा कि जिला प्रशासन इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिले को कुष्ठ रोग से मुक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जैसा कि सबको पता है कि 30 जनवरी है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जो है पुण्यतिथि है, इस अवसर पे हम लोग कुष्ठ रोगियों के लिए हम लोग स्पर्श कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग ने एक शपथ भी ली है कि सभी लोग नए जो भी हमारे कुष्ठ रोगी हैं उनको खोजेंगे, उनका उपचार करेंगे और भेदभाव को दूर करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि इसका प्रचार प्रसार भी करना है हम लोग को कि कुष्ठ रोग लाइलाज नहीं है। ब्रिटेन में बात महोबा की कर लेते हैं, जहां देसी ठेके के मैनेजर के घर चोरों ने चोरी कर ली। महोबा में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने देर रात देसी ठेके के मैनेजर के घर से 2 लाख की नकदी चुरा ली। बता दें कि चोर घर की दीवार तोड़कर अंदर घुसे थे, जहां देर रात अंजाम देने के बाद घटना से पूरे परिवार में मातम छा गया है। जहां सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। बता दें कि यह घटना बनवाड़ी थाना क्षेत्र के 9 गाँव फदना रोड की बताई जा रही है। है मकान हम लिए थे किराए से। अच्छा, ठीक है। और हम चले गए घर पे, यहाँ पे हमारे हम जो है ठेका के हैं मैनेजर। देसी ठेका के और बिगेर के। अच्छा, तो हमारी 2 दिन की रोकड़ रखी थी यहाँ पे। लगभग कितनी रोकड़ होगी? लगभग होगी 2.25 लाख रुपया। अच्छा, तो वो रखी थी और कछु सामान भी था, कपड़े लत्ते। हाँ, तो वो कपड़ा लत्ता भी। कोई सोने चांदी के आभूषण तो गए नहीं है? आभूषण कुछ नहीं थे, दोनों ताले तोड़ के गए। दोनों ताले। ब्रिटेन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां शिवनगर कॉलोनी में दोस्तों ने ही दोस्त की हत्या कर दी। मथुरा के जमुनापार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शिवनगर कॉलोनी में बीती देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल नितिन भारद्वाज के बड़े भाई के साथ बैठकर एक युवक शराब पी रहा था। इसका नितिन भारद्वाज ने विरोध किया। इस बात को लेकर बड़े भाई के दोस्त ने गोली मारकर नितिन की हत्या कर दी। जहां सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में नितिन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालात गंभीर होने के चलते उसे आगरा के SN मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, तो वहीं दूसरा आरोपी अभी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। मेरे भाई को गोली मार दी है। क्या नाम है भाई का? नितिन भारद्वाज। किसने गोली मारी है? कृष्णा नाम की लड़की ने। किस बात को लेकर गोली मारी, क्या वजह रही? छोटे भाई से कुछ झगड़ा हो गया था, उनको बचाने के लिए गई तो छोटे भाई वहाँ से निकले, पीछे से इनको दबोच लिया, इनमें गोली मार दी। कितने लोग थे? अब 4-5 तो होंगे, 3-4 का तो नाम भी याद है। बताओ नाम बताओ। कृष्णा चौधरी, पिता का नाम है सुक्कू चौधरी, उसका भाई है योगेश और लोकेश, और एक दो लड़के पीछे गली में रहते हैं शिवनगर कॉलोनी में, उसका नाम है प्रशांत उर्फ तन्नू। अच्छा, ये 5 लोग थे? हाँ, ये 5। कोई पुरानी रेंजेस चल रही थी? दिन के आखिरी में बात उस सीतापुर की कर लेते हैं, जहाँ ट्रक ने कई लोगों को टक्कर मार दी। सीतापुर में शराब के नशे में धुत ट्रक चालक ने नो एंट्री में घुसकर कई लोगों को टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक ट्रक चालक नशे में था, उसे सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह ट्रक को लेकर इधर उधर जा रहा था। लोगों ने जब ट्रक को अपनी तरफ आता देखा तो मौके पर अफरा तफरी मच गई, जहां शराब के नशे में धुत ट्रक चालक ने नो एंट्री में एक कार को टक्कर मारी। इस दौरान ट्रक चालक किसी की परवाह किए बगैर काफी तेज रफ्तार में ट्रक लेकर इलाके से भागने लगा, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने ट्रक का पीछा किया। कुछ दूर जाने के बाद पुलिसकर्मियों ने ट्रक को दौड़कर पकड़ लिया और ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया। बता दें कि यह मामला थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के नेपालपुर चौराहे का बताया जा रहा है। पहले मेरी गाड़ी मारी, दूसरे मार के आया है। अच्छा,
कितनी गाड़ियों में लगभग मारी है इसने? चार छह गाड़ी चार पांच गाड़ियों का वही बता रहा, मेरी गाड़ी में टक्कर मारी डिजायर पड़ी तो क्या को ऊपर चढ़ा दी। शराब और अपी है? बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, को ऊपर ठिलिया चढ़ गया। अपना तो प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबीसी न्यूज़।